नमस्कार, मैं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं NTV न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं अकबरपुर प्रखंड के पचरुखी गांव में। यहां एक दर्दनाक घटना हो चुकी है जो कि कल हुई थी, तो आइए हम उनके परिजनों से भी जानेंगे। और यहां पे हमारे वर्तमान में मुखिया सरोज देवी भी मौजूद है, तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे। पहले हम जानते हैं ये घटना हुई कैसे, तो उनके परिजनों से जानते हैं कि हम जानते हैं कि ये घटना कैसे घटी और क्या क्या उस जगह पे हुआ था। जगह हुआ नहीं था, दो भाई था, दोनों बंटवारा हो गया था, उसको कोली मिला था। बेचारी गई थी कि कम से कम तू पैसा बच जाएगा, है तो बालू लाने गई थी। अच्छा, कहाँ बालू लाने गई थी? नदिया में, कहाँ बालू आता है यार? नदी में। नदी का जगह होगा ना, नाम होगा ओगरा कुछ बोले भटवा दाना। अच्छा, उसी जगह गई, सुन था कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ पर। बेचारी बालू भरी 3-4 बोरा। अच्छा, उसके बाद में ऊपर से भूकंप हो गया। भूकंप जानते हैं, समझ रहे, खोजल गया, सब गांव का ललका गया, यहाँ खोजे वहाँ खोजे, नहीं मिला, खोज के मिला बेचारी। उसके हम गए डॉक्टर साहब के यहाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो ये घटना कब की है? कल की है। अच्छा, कल दिनांक बता सकते हैं? कौन सा नाम बता सकते हैं? डेट बताइए। 9 तारीख। अच्छा, 9 तारीख, पांचवा महीना 2022। बस आइए हम और भी कुछ लोगों से जानते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश प्रसाद वर्मा हुआ। अच्छा, तो आप इस जगह मौजूद हैं, तो इस जगह के बारे में कुछ जानकारी होगी, अभी क्या घटना हुई? नहीं, जानकारी हुआ है कि कल करीब 5 बजे के लगभग इनको PM आवास के तहत इंदिरा आवास मिला था। सरकारी निर्देशानुसार नदी से बालू ट्रैक्टर से उठाना बंद था, लेकिन इनको घर बनाना था। बहुत गरीब है और इस माथा पर करके ये बालू निकाल रहा था, लाता था भी, और उसी कर्म में अंदर खोल था और खोल को दबने के कारण इसकी असामयिक निधन हो गया। और मैं चाहता हूँ इनके परिवार के कि सरकार के द्वारा असमय जो निधन हुआ है, सरकार के द्वारा जो राशि इनको मिला, अनुग्रह राशि या सरकारी राशि या आपको 20,000 जो मिलता है सामाजिक सुरक्षा के तहत, ये निर्धन गरीब को मिलना चाहिए। और मैं इनके परिवार को इस दर्दनाक घटना के चलते, मैं इस दुख के घड़ी में मैं धैर्य पूर्वक रहने का सलाह देता हूँ। अच्छा, आपका परिचय? आप? मेरा नाम सुरेश प्रसाद वर्मा हुआ, मैं पूर्व जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष हूँ और विश्वपुर के भी उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। रात के समय जब ये घटना घटा था तो मैं अस्पताल में भी साथ था। जैसा कि आपने देखा, हमने अभी इनसे बात की, एक समाज सेवी रहते हुए जनता दल यूनाइटेड के एक नेता भी रह चुके हैं, और हमारे साथ अभी फिलहाल में मुखिया, यहाँ के वर्तमान मुखिया जो हैं सरोज देवी, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या राय लेते हैं। मैं सरोज देवी नाम है, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। गरीब आदमी अथी हुआ है, उसका कुछ लाभ मिलेगा? थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लीजिए। ना ना ना, ना।